कम बोलना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात होती है। आपने देखा होगा कि जहां पे लोग ना बहुत ज्यादा बोलते हैं, मतलब उनको टाइम का भी पता नहीं होता, इतना बोलते हैं ना, वहां पे लोग खड़े होना भी पसंद नहीं करते हैं, सुनना भी पसंद नहीं करते हैं, आपकी वैल्यू भी कम होने लगती है। तो कम बोलिए, अच्छा बोलिए, सोच समझ के बोलिए। हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे और हमेशा खुशी रहेगा। दोस्तों, कम बोलना बहुत अच्छा होता है, बहुत नहीं, बहुत बहुत अच्छा होता है। तो जब भी आपको लगे ना कि हमें बोलना है, तभी बोलिए। कुछ लोगों की हैबिट होती है कि बिना वजह बोल देना, कि मतलब उनको ना ऐसा रहता है कि मुझे ही इस चीज का आंसर देना चाहिए, यहाँ पे इस चीज का आंसर किसी को नहीं पता। दोस्तों, दिमाग सबके पास होता है, जुबान है ना, वो सबके पास होती है, दिमाग सबके पास होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल करना ना हर किसी को नहीं आता है। कोई तो बोलने में ही अपने आप को वो समझता है कि भाई मुझे तो इसकी डिग्री लेनी है, बोलना है इस टॉपिक पे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे मुझे कुछ ना आए, लेकिन मुझे बोलना है। पर उसको ये नहीं पता कि अगर हम जरूरत से ज्यादा बोलते हैं और कहीं भी शुरू हो जाते हैं, तो हम कितना अपना लॉस करते हैं, क्या चीजें हो सकती हैं जरूरत से ज्यादा बोलने पर। तो वीडियो में दोस्तों एंड तक बनी रहिएगा, हमेशा की तरह वीडियो आपके लिए यूजफुल और मोटिवेशनल होने वाली है। अगर हम ज्यादा बोलते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें अपने घर की बोल जाते हैं, बहुत सारी चीजें, क्योंकि ये जुबान होती ही ऐसी है कि जब एक बार खुलती है ना, मतलब तो फिर आपको भी नहीं पता कि क्या क्या राज खोल देती है। तो जितना कम बोलेंगे, उतनी चीजें आपकी दबी रहेंगी, उतने राज आपके राज रहेंगे। वरना ये नॉर्मल सी बात है कि अगर आप थोड़ी देर किसी ग्रुप में खड़े हो गए जहां पर आपका डेली का व्यवहार होता है, डेली की बातें होती हैं, तो वहां पे आप जरूरत से ज्यादा बोल ही जाएंगे। वहां पे आप सोचते भी नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा। आपको ये रहता है कि मेरे डेली के फ्रेंड्स हैं, तो यहाँ पे हम अपनी बातें शेयर कर देंगे तो क्या ही होगा। तो ये होगा कि आप अपनी चीजों को शेयर कर रहे हैं, वो उन चीजों को जिनको कि आपको शेयर नहीं करना चाहिए, जो कि आपको बाद में प्रॉब्लम में ला सकते हैं। तो थोड़ा सा सोच के बोलिए ना, जहां पर बोलना है ना। तो एक तो ये चीज हो गई, सेकंड है कि जब हम कम बोलते हैं ना दोस्तों, तो हमको सोचने का मौका मिल जाता है। हमें कम क्यों बोलना चाहिए? हमें कम इसलिए बोलना चाहिए ताकि हमारे रिश्ते बने रहें। हाँ जी दोस्तों, हम चुप हैं इसीलिए रिश्ते हैं, कुछ रिश्ते हैं इसीलिए हम चुप हैं। अगर हम ज्यादा बोलने लगे ना, तो हमारे रिश्ते का पता नहीं क्या ही होगा, कि क्या से क्या हो जाएगा। रिश्ते वास्तव में इसीलिए चलते हैं क्योंकि हम चुप हैं, और जिस दिन हमने बिना सोचे समझे बोलना शुरू कर दिया ना, तो हमारे पास शायद ही कोई रिश्ता बचेगा, क्योंकि रिश्ते चलते ही शांति से हैं, चुप से हैं। अगर दोनों साइड से बंदे बोलना स्टार्ट कर दिए, तो रिश्ता बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। इसीलिए एक को तो चुप रहना ही पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जो चुप है ना, वो समझदार है, वो समझदारी से बोलता है, और जो ज्यादा बोलता है, उसको लोग बेवकूफ बोलने लगते हैं। ये सत्य बात है कि जो बिना सोचे समझे बोलता है, जो बस बोल ही देता है, वो कहता है कि बस मेरा मन हल्का हो गया, मैंने तो बोल दी बात, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसकी इमेज खराब हो रही है। तो दोस्तों, थोड़ा सा ठहरिए, थोड़ा सा सोचिए, फिर कदम बढ़ाइए। कहाँ कौन भागा जा रहा है? जुबां भी आपके पास है, लोग भी आपके पास हैं, लेकिन वो स्थिति खराब नहीं होगी, आपकी रिलेशनशिप खराब नहीं होगी, आपके रिश्ते खराब नहीं होंगे, वैल्यू बनी रहेगी, तो जाहिर सी बात है आप खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। तो थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए अपने बोलने पर। जहां पर बहुत सारे लोग बात कर रहे होते हैं ना, तब आप नोटिस करते हो, मतलब आप सुनते हो ना, तो आप देखते हो कि क्या बात चल रही है, क्या बात नहीं चल रही है, मैं आंसर दूं या नहीं दूं, तो आपको सोचने का समय मिल गया ना। कभी कभी बहुत सारी चीजें हमको पता नहीं होती हैं और हम फटक से आंसर दे देते हैं, ये दिखाने के लिए कि देखो हम कितने एक्टिव हैं, देखो हम कितना अच्छे से फटाफट से बोल लेते हैं। लेकिन ये नहीं पता कि आप जल्दी से बोल रहे हैं ना, तो आपने उस चीज को सोचा ही नहीं है, उस चीज का ज्ञान ही नहीं लिया। जितना कम बोलेंगे, उतना ही आपका दिमाग एकदम शांत रहेगा, कूल रहेगा, आपको टेंशन ही नहीं रहेगी कि मैं कुछ बाहर बोल के आया हूँ। टेंशन पता है कब होती है? जब हम बाहर बोल के आते हैं, हमें घर पे आके लगता है कि हाय राम, हम क्या ही बोल के आ गए, अब मैंने ये तो बोल दिया, अब क्या होगा, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, क्या नहीं सोच रहा होगा, पता नहीं इस चीज का वो क्या मतलब निकाल ले। मतलब हम तो बोल कर आ गए वहां पे, बिना सोचे समझे हमने बोल दिया, क्योंकि हमारी आदत है बोलने की, तो हम बोल के आ गए। लेकिन घर पे आके क्या कर रहे हैं हम टेंशन में जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं उस चीज को, फिर क्या फायदा हुआ ज्यादा बोलने का?
कुछ फायदा हुआ? तो इससे अच्छा तो चुप्पी था, कम से कम वहां पे खड़े होकर बात तो सुनते हम। अब हम बोलकर आ गए हैं, आंसर देकर आ गए हैं, और घर में टेंशन के मारे हमें नींद नहीं आ रही कि पता नहीं वो क्या सोचेगा, क्या नहीं सोचेगा, क्या ही हो जाएगा हमारे रिश्ते में, हमारी फ्रेंडशिप में, कहीं इसका गलत मतलब तो नहीं निकाल लेंगे। मतलब फिर हमको दोबारा से वहां जाना पड़ेगा अपनी बात को क्लियर करने के लिए। तो इससे अच्छा है कि पहले ही कम बोलिए। देखिए, कम बोलेंगे ना तो आपको पछताना भी नहीं पड़ेगा। कई बार क्या होता है ना कि हम एकदम से खुशी में या बहुत गुस्से में बहुत ज्यादा बोल के आ जाते हैं, जो हमें नहीं बोलना चाहिए। फिर हम अपना अकेले में घर पे आते हैं ना, काम करते हैं, तो हमारे दिमाग में वही चलता रहता है, अरे यार मैं क्या बोलकर आ गया, मुझे तो ये चीज बोलनी बोलनी नहीं थी, उस समय ना मैं बड़ा गुस्से में था या गुस्से में थी। तो गुस्से में पता है क्या होता है, हमारा दिमाग काम नहीं करता, हमारी जुबान हाथ में नहीं होती। गुस्से में आप बोल के तो आ जाते हो, फिर उन चीजों को ना बहुत महीनों तक, सालों तक समेटते ही रहते हो कि नहीं मेरा तो गुस्सा आ गया था, मेरा दिमाग खराब हो गया था, मुझे ये हो गया था, मुझे वो हो गया था। तो देखो पछताना पड़ा ना। अगर आप पहले ही सोच लेते, पहले ही ध्यान मतलब देते उन चीजों पर कि आप क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा मौन रहते, तो आपको ये नौबत नौबत नहीं आती ना। मतलब आपको दोबारा अपनी सफाई तो नहीं देनी पड़ती ना कि मैं तो गुस्से में था, ये हो गया, वो हो गया। गुस्सा तो थोड़ी देर का होता है, लेकिन बाद में पछताना फिर हमें पड़ता है, क्योंकि हम तो ना अपने आप को बड़े 30 मार्का समझते हैं, बड़े होशियार समझते हैं कि नहीं इसका आंसर तो मैं ही दूंगा, ये ऐसे कैसे बोल दिया इन्होंने, ये चीज तो नहीं होनी चाहिए थी, ये चीज कैसे हो गई, ये चीज तो ऐसे होनी थी, ये तो वो। मतलब जो जितनी भी बातें आप कहकर आ गए, और आपको फिर घर में आके बड़ी प्रॉब्लम हो गई, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, आपको लग रहा है आपको अंदर से ना बड़ा पछतावा हो रहा है कि मैं क्यों ही बोल दिया। अब वापस जाके आप चीजों को सही तो नहीं कर सकते ना, अब जो हो गया सो हो गया, तो पहले ही सोच लेते तो नहीं पछताना पड़ता। दोस्तों जब हम चुप रहते हैं ना तो हमारी सुनने की क्षमता बढ़ती है, हम चीजों को सुनते हैं, सामने वाला क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा हम उसको सुनने लगते हैं। अगर हमें बोलने की आदत पड़ गई ना, फिर ना हम सुनने वाले किसी की, फिर तो भाई हमारी बात सुन पहले, जो भी हम कह रहे हैं या नहीं, जो भी हम कह रहे हैं, चाहे हम गलत कह रहे हैं चाहे हम अच्छा कह रहे हैं, तो मेरी बात सुन, तुम्हारी बात हम बाद में सुनेंगे। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है उन लोगों में जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, ये तो मैं खुद ही देखती हूँ। मतलब उनको ना बस बोलना होता है बिल्कुल ही, मतलब कुछ भी बोलना है ना, तो किसी बात का सिर होता है ना पैर होता है, बस उनको बोल देना है, यहाँ की वहां की घर की ये बात वो बात उसकी बात, कोई ना कोई उनको बात चाहिए। लेकिन जब वहां पे सुनने की बारी आती है, मतलब जब उसने तो अपनी बात कह ली, अब सामने वाली महिला की बारी आई बोलने की, तो वो कहती है कि अब मेरे को ना घर पे काम है, मैं जा रही हूं, ये है वो है, मतलब इतना भी बोलना जरूरी नहीं समझती हैं लेडीज, चली जाती हैं वहां से। तो बताइए कहाँ का इंसाफ है भैया, आपने तो अपनी बात कह दी, अब दूसरे को भी तो कहने दो भाई, आपकी बात तो सुनी है ना उन्होंने, तो आप कैसे जा सकती हैं किसी की बात सुने बिना। एक तो आपने सबका समय ले लिया, आपने सबको खड़ा करके रखा, ठीक है, वो तो उन जो वहां पे पर्संस खड़े थे उनकी इंसानियत है कि उन्होंने खड़े होके सारी बातें सुनी आप, मतलब आपने तो अपनी बात कह दी वहां पे, लेकिन आपने क्या सोचा, आपने दूसरों की बातें सुनी, आपका ज्ञान बढ़ा नहीं बढ़ा ना, सिर्फ आपने अपनी सोच वहां पे कही है कि मैं ऐसी हूं, मैंने ये देखा मैंने वो देखा, आपने अपना कह दिया, लेकिन आपने अपनी नॉलेज क्या बढ़ाई, आपने अपनी नॉलेज तो नहीं बढ़ाई ना। नॉलेज कब बढ़ती है आपकी, जब सामने वाला बंदा बोलता और आप खड़ी होकर सुनती, तब आपकी नॉलेज इंक्रीज होती। लेकिन आपने क्या किया, अपनी बात बोली, अपने विचार बोले, अपनी इच्छाएं बोली, जो चीज थी सब अपना बोला, और उसके बाद टाटा बाय बाय हम चलते हैं जी, और आपने सुना भी नहीं दूसरे की बात, अपना बोल दिया, तो कितनी गलत बात है। सुनने से हमारी नॉलेज बढ़ती है, हमें जो चीज का ज्ञान नहीं होता वो चीज हमें पता चलती है, और हमें ना दूसरे का नेचर पता चलता है, हमें सोचने का समय मिलता है कि भाई ये जो बात कर रहे हैं, अगर इन्होंने मेरे से कुछ पूछा तो मैं इसका क्या आंसर दूंगा। वो सोचने पर वो मतलब आप चुप रहोगे ना तभी आपको पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा कि आप खड़े होके वहां पे बोलते गए बोलते गए बोलते गए, फिर आपने अपने दिमाग का कब यूज किया, कब आपको सोचने का टाइम मिला, आप तो बोलते ही रहे। तो चुप रहना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सम टाइम जहां जरूरत है वहां बोलिए, हर वक्त बोलने से आपको घाटा ही होगा, आप खुश नहीं रह पाएंगे, आपकी वैल्यू कम होगी। सब इस चीज को समझ लीजिए, जितना जल्दी हो सके समझ लीजिए। जो लोग कम बोलते हैं ना
उनकी सोचने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, उनकी लोग कद्र करते हैं, उनको लोग सुनना पसंद करते हैं। कम बोलने से हमारे डिसीजन की वैल्यू होती है, हमारी बात की कद्र होती है, लोग समझते हैं कि हाँ ये कम बोल रहा है ना, ये सही बोलता होगा, क्योंकि ये वैसे तो बोलता नहीं है, कम बोलता है, लेकिन जब भी बोलता है ना सही बात बोलता है। तो उसके दिमाग में सही बात कहाँ से आई? सही बात आई उसके चुप रहने से, उसके सोचने से। जब हम चुप रहते हैं ना, दूसरों को सुनते हैं, तो हमारा ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान का भंडार हमारे पास जमा होने लगता है धीरे धीरे। तो एक दिन में तो होगा नहीं कि भाई आप एक दिन में ही आपने मतलब सारी नॉलेज ले ली। आप इस चीज को अपने ऊपर अप्लाई कीजिए कि कम बोलिए। अगर आपसे कोई हालचाल पूछ रहा है ना, तो वहां पे हालचाल का ही आंसर दीजिए। अपनी घर की कहानी मत बताइए कि मैं सब्जी बना के आई, मैं आज उससे बात की, मैंने आज ये टीवी सीरियल देखा, मैंने आज ये खाना बनाया, मैंने आज ये किया, मेरी लड़ाई होगी मेरे हस्बैंड से, आज मैंने बच्चों को पिटाई कर दी। मतलब आपसे सिर्फ हालचाल पूछा था ना, तो आप हालचाल का ही आंसर दीजिए, जितना जो पूछता है उतना ही आंसर दीजिए। कम बोलने से ना हमारे रिश्ते बने रहते हैं। छोटी बात है लेकिन है बहुत बड़ी बात। कम बोलोगे तो आपके रिश्ते जहां हैं वहीं रहेंगे, खराब तो बिल्कुल नहीं होंगे, बड़े ना बड़े लेकिन खराब नहीं होंगे। आप सोच के देखिएगा कि हमारे रिश्ते खराब क्यों होते हैं, हमारे खुद के घर में ही रिश्ते, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, सास ससुर के साथ, भाई बहनों के साथ, ननद भाभी के साथ, मतलब रिश्ते खराब क्यों होते हैं? जब हम फटक से जवाब दे देते हैं, हम अपने आप को किसी से पीछे नहीं समझते कि जी कैसे मेरे को आंसर दे दिया इसने, मैं तो आंसर दे के रहूंगी। आओ जरा सामने, तूने एक बात बोली है ना तो मैं पांच बातें तुमको सुनाऊंगी। मैं चुप कैसे रह सकती हूँ, मैं तो चुप नहीं रह सकती, मेरी इज्जत पे बात है, मैं कैसे चुप रह जाऊं? तो भाई कोई इज्जत पे बात नहीं होती है, चुप रह के देखिए बड़ा सुकून मिलता है, ठीक है? और यहाँ पे कोई किसी की, उसने जो बोला उसको बोला, आप उस दिन आंसर मत दीजिए, नेक्स्ट डे दीजिए, सोच समझ के दीजिए। क्योंकि जैसे दूध में उफान आता है ना, तो गुस्सा भी एकदम से उफान आता है। जब उफान के साथ में ना हमारी बहुत सारी चीजें साथ में आती है, मतलब हमारा दिमाग काम नहीं करता, और बस जो हमारे पास बातें आती है ना वो हम सुना देते हैं सामने वाले को, क्योंकि उस समय हमारी जुबान है ना कट 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 चलती है कैंची की तरह, हमें खुद नहीं पता कि हम क्या बोल रहे हैं। जब लड़ाई खत्म हो जाती है ना, जब सब अपने अपने रूम में जाते हैं, फिर सोचते हैं, मतलब अकेले या दूर हो जाते हैं उस स्थान से, फिर सोचते हैं अरे ये तो मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, ये चीज तो मुझे नहीं बोलनी थी, अब क्या होगा, अब तो वो मुझसे बात भी नहीं करेगी, अब तो सॉरी बोलने से भी काम नहीं चलेगा, तो हो गए ना रिश्ते खराब। तो उसी समय जब सामने वाला बोल रहा था तो आप थोड़ा चुप हो जाते, रास्ता बदल लेते, दूसरे रूम में चले जाते, अगर एक घर में है तो दूसरे रूम में चले जाते, अगर अलग अलग रहते हो तो अपने घर आ जाते, अगर बाहर घूम रहे हो तो रास्ता बदल लो। बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों, बहुत सारे। इन सब चीजों को ना करने से हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, हमारी वैल्यू बढ़ती है, हम अंदर से खुश होते हैं, हमें लगता है कि हमने सिचुएशन को हैंडल कर लिया, कॉन्फिडेंट आता है। रियली में आप जब इन चीजों को हैंडल करोगे ना, तो आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा कि देखो मैंने उस सिचुएशन को भी ना हैंडल कर लिया। फिर आपको हैबिट हो जाएगी धीरे धीरे इस तरीके से कम बोलने की, सोचने की, फिर आप टेंशन फ्री रहोगे। और क्या, ये जुबान की वजह से तो सारी लड़ाइयां होती हैं। हम ना रिएक्ट नहीं करेंगे अगर हम कम बोलेंगे, तो रिएक्ट करेंगे तो सोच समझ के करेंगे। ज्यादा बोलने से क्या होता है, हमारी बुद्धि तो काम करती नहीं है, हम फटक से जाके रिएक्ट करके आ जाते हैं किसी भी चीज पे, किसी पे भी। आपने देखा होगा कि हम मम्मियों को ना गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बच्चों ने कुछ बोला और हम जाके ना दो तीन उनको लगा के आ जाते हैं बिना सोचे समझे, मतलब सोचते भी नहीं कि बच्चा हमें बुला क्यों रहा था, बच्चा हमसे कहना क्या चाह रहा था। हम तो गए और ये लगाए गाल पे, तूने ये हरकत कर दी, तू मेरी बात काटेगा, मम्मी की बात काटेगा तू। पापा लोग थोड़ा सा कम मारते हैं, मम्मियां बहुत पीटती हैं, क्योंकि मम्मियों का थोड़ा हाथ ज्यादा चलता है। तो मम्मी ने फटक से चांटा लगा दिया, भाई तूने मेरी बात काट दी, तूने मेरी बात क्यों नहीं सुनी। अब बच्चा कह रहा है मम्मी ये बात थी, मैं आपको इसीलिए बोल रहा था। अब गलती तो बच्चे की थी नहीं ना, या बच्चा नाश्ता मांग रहा था, या बच्चा कुछ किताबें वगैरह कुछ स्कूल की मांग रहा था, और आप कहीं बिजी थी, फोन भी बिजी थी, या गॉसिप कर रही थी, या जो भी आपका दिमाग उस समय वहां नहीं था, और आपके बच्चे ने आपसे कुछ मांगा, आपका माइंड डाइवर्ट हुआ, आपने सोचा भी नहीं कि बच्चा क्यों आपको बुला रहा है, आपने जड़ दिया उसको चांटा।
और बच्चा बोलता है मम्मी मैं तो आपसे ये चीज मांग रहा था, फिर आप क्या करेंगी, फिर आपके पास बचा क्या पछताने के अलावा, आपने तो रिएक्ट कर दिया ना फटाफट से जाके। अब बच्चा जब बड़ा होगा ना तो यही चीज बोलेगा कि मम्मी मैं आपसे ये चीज के लिए गया था, या पेंसिल लेने, रबड़ लेने, या खाना मांगने, और आप फोन पे बात कर रही थी, आप मुस्कुरा रही थी, आपकी गॉसिप चल रही थी, और आपने मेरे को चाटा लगा दिया बिना बात के। मैं नहीं भूलूंगा इस बात को कभी। बच्चे ऐसे याद रखते हैं चीजों को, जो हमको लगता है ना कि छोटी छोटी बातें हैं, बच्चे दिमाग में घुसा लेते हैं। अगर आप बिना बात के अपने लिए बच्चों को पिटाई करते हैं तो बच्चे इस चीज को याद करते हैं। बच्चे पढ़ाई में आपने कभी डांटा हो, अच्छी आदत सिखाने के लिए कभी डांटा हो, वो चीज को बच्चे कभी भी दिल पे नहीं लेते हैं। बच्चे को डांटिए भी मारिए भी, क्योंकि हर चीज की एक एज होती है, हर चीज का समय होता है, बच्चे उस चीज को माइंड में कभी नहीं लेते हैं। उनको पता होता है कि ये हमारी मम्मी ने हमको डांटा है, मारा है, तो हमारे अच्छे के लिए डांटा है। लेकिन अगर आप अपनी मस्ती में मगन है, अपने फ्रेंड से फोन पे बात करने में मगन है, या फिर कोई मूवी वॉच कर रही है, मतलब अपने किटी पार्टी में, या जो भी आप एक्स वाई जेड एंजॉय कर रही हैं, और बच्चा कुछ आके बोलता है और आप बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं, तो आप पछताते रहिए। तो ये चीज कभी भी भूल कर बिल्कुल भी ना करें। सोचें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि बच्चा अगर आपके पास आ रहा है, 3-4 बार आपको बोल रहा है ना, बच्चे ऐसे ही होते हैं, 2-3 बार में आपको आके बोलेंगे, 1 बार में आप जब समझ जाते हैं बच्चे कि मम्मी 1 बार में नहीं सुन रही है, तो वो आते हैं बार बार, तो वहां पे थोड़ा सा शांत हो जाइए, सुनिए बच्चे की बात। कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी भर फिर आपको बच्चा एक लाइन बोलता रहे कि मम्मी ये चीज थी, आपने हमारी नहीं सुनी, और आपने हमें बिना बात के मारा। तो छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों जो हमें फॉलो करनी चाहिए, ये टिप्स हैं, ये पॉइंट्स हैं जो कि हमको याद रखनी चाहिए जहां पर भी हम बोलें। और याद रखने वाली कोई बात भी नहीं है, ये हमारी हैबिट में आ जाएंगे, बस थोड़ा सा हमें सोचने की जरूरत है। बस जहां पे बातें चल रही हो वहां पे शांत हो जाइए, थोड़ा सा दिमाग का यूज कीजिए। और जब हम कम बोलते हैं ना तो लोग भी हमको सुनना पसंद करते हैं, हमारे पास आते हैं, पूछते हैं कि भाई इस चीज पर क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए, क्योंकि लोगों के बीच ना हमारी वैल्यू बनने लगती है धीरे धीरे, लोग हमारी रिस्पेक्ट करने लगते हैं, लोग हमको आदर सम्मान देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम फालतू नहीं बोलते, उतना ही बोलते हैं जितना सामने वाले ने पूछा। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन है बहुत बड़ी बातें, आप सबको पता है, बस वही है कि हम अपनी डेली लाइफ में इन सब चीजों को लागू नहीं करते हैं। हमें लगता है कि ठीक है ना, जो बोल दिया सो बोल दिया, जो हो गया सो हो गया, लेकिन ये नहीं सोचते। कुछ लोगों को टेंशन नहीं होती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबको टेंशन होती है, लेकिन जो थोड़ा भी दिमाग रखते हैं ना, जो थोड़ा भी चाहते हैं कि उनकी वैल्यू हो, वो खुश हो, उनको तो पक्का ही टेंशन होती होगी कि मैं क्या बोल के आ गया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, अरे मैं चुप ही रहता, या थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लेता उस समय पे, क्यों ही मैंने वहां पे बोल दिया बेमतलब में, मुझे मतलब इतना उस चीज की नॉलेज भी नहीं थी। और हाँ दोस्तों, जब हम चुप रहते हैं ना, कहीं पे कोई बात चल रही है या कोई टॉपिक डिस्कस हो रहा है, और उस टॉपिक की हमें कोई नॉलेज नहीं है, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि वहां पे वो चीज है क्या, तो वहां पे हम चुप है ना, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लोग क्या सोचेंगे? लोग यही तो सोचेंगे कि भाई ये चुप है क्योंकि इसको पता नहीं है उस टॉपिक के बारे में जो वहां पे डिस्कशन हो रहा है, या जिस चीज को लेके वहां पे बात हो रही है वो चीज का इसको ज्ञान नहीं है। कोई बात नहीं, इतना तो सोचेंगे ना। लेकिन अगर आपने वहां पे अपनी राय दे दी, या फिर वहां पे आपने अपनी बातें रख दी, फिर क्या कहेंगे लोग? इसको तो ना नॉलेज नहीं है कि इस चीज की, देखो आके बेमतलब में बोल रहा है ना, तो उस चीज को लोग याद रखेंगे, काफी लंबे समय तक याद रखेंगे। और क्या होगा फिर? आपने कुछ गलत बोला ना, या कुछ ऐसा बोल दिया कि जो उस जो वहां पे डिस्कशन चल रहा था, या जो टॉपिक था उससे बिल्कुल उल्टा है, या गलत जो भी है, मतलब आपने वहां से जो चीजें, जो बात वहां चल रही है उसके हिसाब से आपने कुछ नहीं बोला। जैसे कोई डिस्कशन होता, जैसे बहुत सारी चीजें होती है ना, सबको ज्ञान सभी का नहीं होता है कि सबको हिस्ट्री की नॉलेज हो, सबको साइंस की नॉलेज हो, सबको कुकिंग की नॉलेज हो, पॉसिबल नहीं है। तो जब हमको ज्ञान नहीं है, हमको नॉलेज नहीं है, तो फिर वहां पे बोलना क्या, वहां पे चुप ही ठीक है, अपनी वैल्यू भी बनी रहती है और लोग समझ जाते हैं कि हाँ भाई इसको नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं, चुप है तो ठीक। चुप रहने से आपके बहुत सारी चीजें कवर हो जाती है। दोस्तों जब हमारा खराब मूड होता है ना, तो वो तो कभी ना कभी सही हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि खराब मूड हमेशा ही बना रहेगा, लेकिन वो खराब मूड में, उस स्थिति में आपने कितने लोगों का दिल दुखाया है, कितना उल्टा बोला है, क्या क्या बोल चुके हैं आप, कितने लोगों के आप इंसल्ट कर चुके हैं, आपको भी नहीं पता। हम खुश रह सकते हैं, हम टेंशन फ्री रह सकते हैं,
कम बोलने से हमारा चिंतन बढ़ सकता है, मतलब हमें सोचने की क्षमता बढ़ेगी अगर हम कम बोलेंगे तो, क्योंकि बोलने में एनर्जी खत्म होती है और चुप रहने में एनर्जी हमारी बरकरार रहती है, यानी कि हम जितना एनर्जी को सेव कर सकते हैं ना करेंगे। तो बोलने से ना एनर्जी खत्म होती है, हम थकने लगते हैं और पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, और कम बोलने से वही एनर्जी हमारे अंदर रहती है, हम नहीं थकते, हमारी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। बोलने से बहुत थकावट होती है दोस्तों, और जहां पर बिना बात की बातें होती है ना वहां तो थकावट ही थकावट है बहुत ज्यादा। तो जब आप कम बोलेंगे ना तो आप देखिएगा कि आप आपके अंदर ना थोड़ी एनर्जी आने लगी है, क्योंकि आप कम बोलते हैं, जहां पे जरूरत है वहां बोलते हैं, हमारे हमारी नॉलेज बढ़ती है, हमारे रिश्ते अच्छे बने रहते हैं, हम खुश रहते हैं, क्योंकि हम ज्यादा बातों को शेयर नहीं कर रहे ना अपने यहाँ की बातों को बाहर, तो हमें टेंशन ही नहीं है कि भाई हमारी चीजें तो हमारे पास ही है ना, हमने बाहर तो शेयर ही नहीं करी, तो हम खुश है ना। तो दोस्तों कम बोलने के ना बहुत बहुत फायदे होते हैं, बहुत ज्यादा। सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि हमारे रिश्ते बने रहते हैं, हमारे अंदर सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, हम खुश रहते हैं, हमारी वैल्यू बढ़ती है, लोग हमें सुनना पसंद करते हैं, लोग कहते हैं कि हाँ भाई देखो इसके पास जाके इस चीज का हम पूछते हैं, क्योंकि वो कम बोलता है ना, लेकिन ठीक है वो बातें बहुत अच्छी करता है, तो ये कोई कमी नहीं है कमी कम बोलना। लोग बोल देते हैं कि भाई वो बहुत कम बोलता है या वो ऐसा है वो वैसा है, लेकिन कम बोलने वालों के अंदर गजब की शक्ति होती है, बहुत अच्छा चिंतन करने की क्षमता होती है, लोगों को वो समझने लगते हैं, हम सामने वाले को सुनते हैं ना तो हम उसको पहचानने लगते हैं, और जब हम बोलते हैं ना तो सिर्फ हम ही को पहचानते हैं, हम किसी को नहीं पहचानते। तो इसलिए सुनना शुरू कीजिए, बोलना कम कीजिए, ये जुबा है ना इसको जितना कंट्रोल कर लोगे उतना अच्छा है। गुस्सा सभी को आता है, लेकिन गुस्सा कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, जब आप शांत रहेंगे कम बोलेंगे तो आपको खुद से हो जाएगा कि नहीं मुझे यहाँ बोलना है, यहाँ नहीं बोलना, यहाँ चुप रहना है, यहाँ नहीं चुप रहना। तो ये सब दिमाग का खेल है, और हमारा दिमाग हमारे पास ही रहे इसीलिए हमको चुप रहना चाहिए, हमें हमारी सोचने की क्षमता बढ़े इसीलिए हमको चुप रहना चाहिए, रिश्ते बने रहें इसीलिए हमको कम बोलना चाहिए। देखिए चुप रहने में कम बोलने में अंतर होता है, चुप वहां रहिए जहां पर आपकी बातों की कद्र ना हो, है ना, बोलिए वहां पे जहां पे आपकी बातों की कद्र। जितना हम कम बोलते हैं ना दोस्तों उतना ही हमारा टाइम बचता है, टाइम से बहुत ज्यादा रिलेटेड होती है हमारी जुबान। जब हम बोलना स्टार्ट करते हैं ना तो हमें खुद नहीं पता कि हम कितना बोल गए। आपने देखा होगा कि बाहर जब लेडीजों की गॉसिप स्टार्ट होती है ना तो उनके टाइम का पता नहीं लगता, एक घंटा दो घंटा ढाई घंटा कहाँ चला गया पता नहीं, क्या क्या उन्होंने सिर्फ गॉसिप की टाइम वेस्ट किया। अगर वहीं पे कम बोलते, अपनी जरूरत की चीजें बोलते, या देखिए बोलना बहुत जरूरी है, हंसी मजाक कर लीजिए, कुछ ऐसे टॉपिक बोलिए जिससे कि सबकी नॉलेज बढ़े, लेकिन कुछ बातें लेडीज की ऐसी होती है ना सभी महिलाओं की कि वहां पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो ही जाती है। तो ये सब होता है ज्यादा बोलने से, अगर कम बोलेंगे ना तो चीजें नहीं होंगी और आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। बोलना ही क्यों जहां पे समय की बर्बादी हो, आपका सामने ज्यादा बोल के समय बर्बाद किया, फिर आप घर गए आप कहते हो घर जाके कि मेरा समय बर्बाद हो गया मुझे नहीं बोलना था, तो आप पहले ही इस चीज को मान के चलिए कि मुझे वहां पे जहां पे लगे कि आपको कम बोलना है वहां पे कम बोलिए। होप दोस्तों आप मेरी बातों से सहमत होंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो आज से ही शुरू कर दीजिए कम बोलना, क्योंकि कम बोलने के हैं बहुत सारे फायदे। चलिए दोस्तों मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए साथ में, और हमेशा खुश रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।